मैं माँ हूँ, धरती माँ। किसी ने सत्य कहा है कि विधि का लेख समझ में नहीं आता। कौन जानता था कि श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी भ्रमण के लिए आएंगे और महान जनक के जामाता बन आदिशक्ति स्वरूपा जानकी को वरण करेंगे। सुख एवं दुख की परिभाषा विचित्र है। एक का सुख दूसरे के दुख का कारण बन जाता है। जनक पुत्रियों की विदाई अयोध्या के लिए सुख का कारण है तो जनक के लिए दुख का। भला कन्या की विदाई पर किसके नेत्र नहीं भराते। अज्ञानतावश यदि मेरी पुत्रियों से कोई भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। राजन, मैं जनकपुर से चार पुत्र वधुएं नहीं, चार पुत्रियां लेकर जा रहा हूं। विश्वास करें, मैं ही नहीं समस्त अयोध्यावासी इन्हें अपनी पुत्रियां ही समझेंगे। जय हो। जनकपुरी से एक दूत अयोध्या नरेश का संदेश लेकर आया है। भेज दो उसे। जो आज्ञा। महारानी की जय हो। क्या संदेश है दूत? महाराज ने यह पत्र भेजा है। शुभ संदेश है। शीघ्र बताइए ना दीदी, मैं तो अधीर हो जा रही हूँ। महाराज ने लिखा है कि वे जनकपुरी से एक नहीं चार वधुएं लेकर आ रहे हैं। क्या? चार? हाँ, मिथिलेश ने बड़ी कृपा की है हम पर। जानकी का राम से और उनकी पुत्रिया उर्मिला का लक्ष्मण से, शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से और मेरे भरत का मांडवी से विवाह संपन्न हो रहा है। दशरथ भवन की शोभा में चार चांद लग गए। मैंने सुना राजकुमार भरत का विवाह हो गया। हाँ मथुरा, महाराज जनक ने अपनी पुत्री मांडवी का विवाह हमारे भरत से कर दिया। हे ईश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद।
धाइमा, धाइमा आप नहीं जानते आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। धाइमा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बस अब अविलंब अयोध्या आ जाए सब। मैं तो अपने राम और सीता की जोड़ी देखने को व्याकुल हो उठी हूँ। जाओ पुत्रियों, अपने नए घर की ओर प्रस्थान करो। कन्या तपस्या की मूर्ति होती है, माता पिता उसे जिसे सौंप देते हैं वो जीवन भर उसी की हो जाती है। अब ससुराल को ही अपना घर समझना। जनक और महरानी सुने ना, भरे नयन मुख आवे न बैना। विकल प्राण मन धरे ओ न जाने जनक की पीरा, को न जाने जनक की पीरा। जैसे है नभ में ध्रुव तारा, अचल होशियर सौभाग्य तुम्हारा, अचल होशियर सौभाग्य तुम्हारा। ससुराल सिधारो, पुष्प खिले जहां तुम पग धारो। ससुर सास पितु मात समाना, निहारत सीता हे आंगन मम बचपन बीता। अंतिम एक विनय सुन लीजे, क्षमा कर दीजे भाई, जो भूल क्षमा कर दीजे।
ढाई माँ, जनकपुरी धन्य है जिसने मेरे राम को दुल्हा और मेरी सीता को दुल्हन के रूप में देखा। यदि मैं भी वहां होती तो कितना अच्छा होता। बस करो पुत्री, अब मुझसे सहन नहीं होता। दिन रात राम का नाम रटते, तुम थकती नहीं क्या? केवल राम ही वधु लेकर नहीं आ रहे, मेरा पुत्र भरत भी मांडवी को लेकर आ रहा है। अब तुम्हें केवल मांडवी के बारे में सोचना चाहिए। धाई मां, न जाने क्यों आपको मेरे पुत्र राम की तनिक भी चर्चा अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अब चलो द्वार पर अपनी वधुओं का स्वागत करने चलें। चलो। बड़ी भोली है तू पुत्री, अपने कौतूहल में ये भी भूल गई कि कौशल्या पटरानी है और परंपरा के अनुसार पुत्र वधुओं का स्वागत करने का अधिकार केवल उसे है, तुझे नहीं। दीदी, आप तो अयोध्या नरेश की पटरानी हैं, पुत्र वधुओं का स्वागत तो आप ही को करना है। हाँ दीदी। नहीं कैकी, आज कोई पटरानी नहीं है, हम तीनों ही माताएं हैं, हम तीनों ही वधुओं की आरती उतारेंगे। महाराज दशरथ जी जय, 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 महाराज दशरथ जी जय। आपके पुत्र वध हुए, ये जनक नंदनी सीता। ये मांडवी। ये उर्मिला और ये श्रुति कीर्ति। अखंड सौभाग्यवती भाव। चलो, जानती है धाईमा, ये सारे गहने मेरे लिए देवलोक से आए थे। देवलोक से? हाँ, जब महाराज से मेरा विवाह हुआ था तो उसमें देवराज इंद्र भी सम्मिलित हुए थे, क्योंकि महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में असुरों को पराजित किया था। देवराज ये समस्त आभूषण देवताओं की ओर से उपहार के रूप में लाए थे। बस सजेंगे ये कहने मेरी पुत्रवधु पर। धाई मां, मैंने निर्णय किया है, ये सारे आभूषण मैं अपनी पुत्री सीता को भेंट कर दूंगी। बावली हो गई है क्या? क्यों? तुमने राम के स्नेह में
सदा अपने पुत्र भरत के साथ अन्याय किया है। चलो वो तुम्हारा पुत्र है, किंतु मांडवी तुम्हारी पुत्री नहीं, वो किसी और की पुत्री है, वो तुम्हारी पुत्रवधु है। मैं मांडवी के साथ तुम्हें ये अन्याय नहीं करने दूंगी, नहीं। मैं तुम्हें ये गहने सीता को नहीं देने दूंगी, इन पर मेरी पुत्रवधु मांडवी का अधिकार है। जरा सोचो तुम ये क्या करने जा रही हो। राम के स्नेह ने तुमसे सोचने समझने की शक्ति भी छीन ली है क्या? आप कुछ भी कहिए धाई मां, पर ये चूड़ामणि तो मैं अपनी पुत्री सीता को ही दूंगी। ये तो उसी पर सजेगी। यदि मांडवी ने बुरा माना तो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वो तो सीता की बहन है। महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और मैं बहने नहीं थी, पर बहने बनकर रही। सीता, उर्मिला, श्रुति कीर्ति और मांडवी तो बहने हैं, उनमें तो आपार स्नेह होगा। धाई मां आप ना निरी मूर्ख हैं। मूर्ख? मैं मूर्ख? अरे बावली, मूर्खता तो तू कर रही है, तू कर रही है। पुत्री मुझे वचन दे, ये चूड़ामणि तो कभी भी स्वयं से अलग नहीं करेगी। मैं आपको वचन देती हूँ माता, ये चूड़ामणि मैं सदा अपने साथ रखूंगी। पुत्री मांडवी, ये आभूषण जो मैं तुझे दे रही हूँ ये उतने श्रेष्ठ नहीं है। आप जो मुझे अपना स्नेह दे रही हैं, वो पुत्रवधु के लिए श्रेष्ठतम आभूषण है। और सीता दीदी, वो तो हमारा आदर्श है। विवाह से पहले उनके पास जितने भी गहने थे उन्होंने हम तीनों बहनों में बांट दिए। वही इतने अधिक हैं कि हमें और आभूषणों की आवश्यकता ही नहीं। धन्य हो पुत्री मांडवी, आज मुझे विश्वास हो गया कि इस परिवार की एकता कभी भंग नहीं हो सकती। तुमने जो कहा वही भावना सबको जोड़ने वाली है। पहले इस राजभवन में केवल हम तीनों मिलकर रहती थी, अब हम सब मिलकर रहेंगे। ना जाने कह के बुद्धि कमाई की, दिन रात उसे ऊंच नीच समझाती हूं, किंतु राम नाम रखने के अतिरिक्त उसे कोई कार्य ही नहीं आता। राम नाम का अर्थ है मानव का कल्याण, मूढ़मती है मंथरा जिसे ना इसका ज्ञान।
चाहे जो कर लो जतन, करो हजारों काम। इच्छा जब राम की, मुख से निकले राम, मुख से निकले राम। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण।